फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल रिया इलेक्ट्रिक में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं किसी भी पंखे की मोटर की लीड जब ख़राब हो जाए और लीड ख़राब होने के बाद जब आपको सप्लाई ना मिले तो लीड कैसे निकालें। दोस्तों देखिए, मैं इसका लीड आपको चेक करके दिखा दे रहा हूं। देखिए, बिल्कुल कंटिन्यूटी, मतलब अपना स्टार्टिंग पे भी नहीं मिल रही है और देखिए कंटिन्यूटी स्टार्टिंग बाइंडिंग पर, रनिंग बाइंडिंग पर, दोनों पे नहीं मिल रही है। देख सकते हैं कंटिन्यूटी टेस्टर ऐसे डायरेक्ट पे बता रहा है। तो दोस्तों, दिक्कत कब आती है लीड निकालने में, जैसे हमारा पंखा एल्युमिनियम बाइंडिंग में है तो कॉपर में रहता है तो लीड आसानी से निकल जाता है, लेकिन एल्युमिनियम का निकालना बहुत मुश्किल होता है। और ये देखिए 35 नंबर वायर से बाइंडिंग किया हुआ फर्राटा फैन है छोटे वाला। तो मैं अब देखिए आपके सामने कैसे लीड निकाल के दिखाता हूँ। और देखिए, ये चला भी है, मतलब एक दो साल चलता है तो क्या होता है, लीड का जॉइंट ख़राब हो जाता है, वहाँ से कनेक्शन कट जाता है और सप्लाई मिलना बंद हो जाता है। तो मैं पहले धागे को काट लेता हूँ, काट के उसके बाद आपको खोल के लीड निकाल के दिखाता हूँ। तो धागे को देखिए, मैं निकाल रहा हूँ धागे को और बिल्कुल आराम से निकालना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, नहीं तो कहीं ना कहीं वायर आपका टूट सकता है। पुराना मान लीजिए रहता है तो पूरा हीट हुआ रहता है पंखा। देखिए, आपको धागा पूरा, मतलब पूरा निकाल दीजिए, बाद में नया डाल देंगे, पूरा धागा मतलब बांध देंगे नए सिरे से। तो धागा निकाल दे रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे निकालना है लीड। ये धागा मैं निकाल रहा हूँ धीरे धीरे और वायर बचा के निकाल रहा हूँ, कोई वायर टूटे ना। एल्युमिनियम में जॉइंट मारना मुश्किल हो जाता है जब पंखा अपना ज़्यादा चला रहता है। तो देखिए, निकल ही चुका है, थोड़ा सा और है। देख सकते हैं, अब देखिए आराम से इसको हटाएंगे तो हट ही गया, इसको भी हटा लेंगे धीरे से। और देख सकते हैं, देखिए एक एक वायर अलग अलग कर लेंगे। और देखिए इतना चला है, देखिए मतलब कि अपना ये स्लिप देख सकते हैं पूरा काला पड़ गया है। अब इसको ऐसे टोएंगे, जहाँ तक तार आपका रहेगा वहाँ से कट करना है। यहाँ मेरा तार है, देखिए यहाँ से मैं इसको कट कर दिया। अब इसको हल्का सा हाथ से दबा लेंगे, दबा लेने के बाद देखिए निकल गया। और देखिए ये लीड देख सकते हैं जॉइंट है, तो ये मतलब जलने जैसा हो जाता है, उसके बाद सप्लाई मिलता नहीं है। अब रह गई एक नंबर स्लिप, तो स्लिप को धीरे धीरे ऐसे दाब लेना है, मतलब आप डायरेक्ट खींचेंगे तो वायर लेके टूट के निकलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट हो गया रहता है। तो इसको निकालना ही मतलब मुश्किल का काम है। देखिए अब मैं ऐसे नोक प्लास से दाब के ऐसे धीरे से निकाल लिया, देखिए निकल गया। अब ऐसे ही चारों को निकाल लेना है। देखिए पूरा हीट हुआ है और हीट होने के बाद चिपक जाता है। देखिए देख सकते हैं, दो वायर मेरे निकल गए, अभी दो वायर और मुझे निकालना है। देखिए ये देखिए, ये अपने आप निकल गया, मतलब ये वायर अपना ब्रेक था, मतलब कटा था, तो कटने के बाद मान लीजिए सप्लाई कहाँ मिलेगी। देखिए ये भी जल चुका है, देख सकते हैं निकला है लेकिन जल चुका है बिल्कुल, लीड देखिए जल चुका है। तो ऐसे ही ख़राब हो जाता है लीड, मतलब एक दो साल चलने के बाद पंखे का लीड ख़राब हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, पुराना वायर और पुराना स्लिप कभी ना इस्तेमाल करें ऐसे पंखों में, मतलब टूटने टाटने का डर रहता है, वायर ख़राब भी रहता है। तो देखिए मैं नया स्लिप और नया वायर ले लिया हूँ। अब इसको मतलब इसका पॉलिश कैसे उतारेंगे, मान लीजिए आपके पास केमिकल है तो आसानी से निकाल सकते हैं पॉलिश निकालने वाला, इसोल करके, इसोल नाम का पॉलिश आता है, तो उससे इसोल केमिकल आता है, उससे पॉलिश बहुत आसानी से निकल जाता है। लेकिन मैं घरेलू तरीका यूज करता हूं। देखिए एक पेपर ले लेना है आपको, देख सकते हैं 220 नंबर की ब्लैक पेपर आता है,
तो इससे क्या होता है कि पॉलिश हल्के हल्के हाथों से अब जलाएंगे तो ये बिल्कुल निकल जाएगा, गल के टूट जाएगा, जलाना भी नहीं है माचिस की तीली से। अब इसको हल्के हल्के पेपर से बस पॉलिश निकाल देना है, थोड़ा पॉलिश निकाल के अब देखिए मैं वायर को यहाँ से पकड़ लिया और देख सकते हैं ऐसे मैं हल्के हल्के हाथों से मतलब वायर खींचा है ना और पॉलिश भी उतर जाए। तो देखिए दोस्तों मैं देखिए ऐसे ही वायर को अब पॉलिश निकाल रहा हूँ वायर का, और देखिए बिल्कुल ऐसे आराम से आप निकालेंगे तो टूटेगा नहीं, और देखिए पॉलिश बिल्कुल आराम से निकल जाता है। और देखिए 35 नंबर तार है, मतलब बहुत पतला वायर भी होता है और हीट हो जाने के बाद कमज़ोर भी हो जाता है। और देखिए इसको मैं पॉलिश उतार लिया ना, अब इसको मैं कंटिन्यूटी से आपको ऐसे ही चेक करवा देता हूँ, उसके बाद मैं लीड निकाल दूँगा। अब कंटिन्यूटी टेस्टर आप रखिए, ये बहुत महंगा नहीं आता है, 10-20 रुपए का, मतलब आपको मार्केट के इलेक्ट्रॉनिक किसी भी शॉप से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाता है। देखिए इसका थोड़ा सा और निकालना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा निकला नहीं है अभी पॉलिश, फिर भी चलाने लायक हो गया है। मान लीजिए आपका हल्का सा भी पॉलिश निकल जाएगा तो ये आप जॉइंट मारेंगे तो पकड़ लेगा। अब मैं चेक करता हूँ इसको कंटिन्यूटी से। अब देखिए रनिंग मानिए मेरा ये बाहर वाला है तो देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल कंटिन्यूटी देख सकते हैं आपके सामने रनिंग बाइंडिंग पे आने लगी। और देखिए स्टार्टिंग बाइंडिंग है, और देखिए स्टार्टिंग बाइंडिंग पे अपना कंटिन्यूटी मतलब दिखा रहा है, देख सकते हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं, वायर देखिए वायर आपको ज्वाइंट कैसे मारना है मैं बता दे रहा हूँ, कॉपर वायर है देख सकते हैं। तो कॉपर वायर को मैं देखिए छिल लिया हूँ और देख सकते हैं ये अपना स्टार्टिंग बाइंडिंग है रनिंग बाइंडिंग। तो रनिंग बाइंडिंग पे हम लाल वायर डालेंगे लाल कलर का, और देख सकते हैं ऐसे आपको ज्वाइंट मारना है, देखिए बिल्कुल आराम से मतलब जल्दीबाजी ना करें, आराम से मोड़ते हुए ले जाना है। और देखिए तोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, मतलब है ये छोटा वायर हो गया है तो इसको पूरा लपेट ही लपेट के पूरा टाइट कर देना है। देखिए मैं हल्का, देखिए हल्का चुटकी से ऐसे ऐंठिए गया तो ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा करेंगे तो फिर टूट भी जाएगा, हल्का सा टाइट कर लीजिए मतलब यहाँ से लूज कभी ना हो। अब देखिए मैं एक वायर जोड़ दिया, अब देखिए ये अपना रिंग ए रनिंग का, अब दोनों रनिंग पे मैं देखिए जोड़ ले रहा हूँ। अब देखिए आराम से एकदम ऐसे ही आपका ज्वाइंट पूरा लग जाएगा, ज्वाइंट लगने के बाद स्लिप चढ़ा के उसके बाद आपको धागा फिर नए सिरे से धागा फिर मार देना है, धागा मारेंगे नहीं तो फिर लीड खराब हो जाएगी। देखिए मैं दो ज्वाइंट टाइट कर दिया ऐसे ही, अब इसको ऐंठना नहीं है, ऐंठ देंगे तो फिर मजबूती नहीं आती है। तो वायर को ऐसे खुला रखें, खुला रखने के बाद ऐसे लपेटें, कभी भी वायर को ऐंठा मत। देखिए देख सकते हैं दोस्तों लीड अपना बन के मतलब तैयार ही हो गई है, और ये अब चालू हो जाएगा मतलब पंखा चलने लगेगा, बस लीड का प्रॉब्लम था। और देखिए लास्ट लूप है, टाइम नहीं लगता है, मतलब आपको सावधानी से करना पड़ेगा। और देखिए अभी पंखे का कंडीशन एकदम सही है, तो मान लीजिए इसको आप लीड की वजह से फेंक भी तो नहीं सकते हैं, नया बाइंडिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लीड निकाल के चला सकते हैं। देखिए दोस्तों ये है चिपकने वाला टेप बाइंडिंग के ऊपर, आपको थोड़ा लंबा काट का कट करके जहाँ लीड आपको रखना है वहाँ तक चिपका दीजिए, चिपका देंगे तो लीड फिर मान लीजिए कम हीट होगा और ख़राब जल्दी नहीं होगा। तो देखिए अभी इतने से अपना सेफ्टी हो गया, अब इधर से दो लीड ऐसे पकड़ना है आपको, इधर से आप ऐसे पकड़ सकते हैं। और देखिए बिल्कुल अब देखिए अकेले हैं तो मान लीजिए इसको पकड़ के कैसे बांधेंगे, दिक्कत होगा धागा बांधने में। तो आप एक काम कीजिए, एक टाई आप रखिए, जैसे टाई एक टाई आप
यहाँ लगा लीजिए इसके ज्वाइंट पे, मतलब जहाँ अपना वायर आके आपस में जुड़ रहा है देख सकते हैं, मैं यहाँ लगा लिया। अब देखिए एकदम, अब मान लीजिए आप बांधेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, तो आसानी से हो जाता है। अब देखिए मैं इसको टाई को कट कर लिया, अब इसको हटा दिया। देखिए धागा, बाइंडिंग धागा है ये, रील के हिसाब से ऐसे रोल आता है, तो आप किसी भी धागे से, घरेलू धागे से भी मोटा धागा होना चाहिए, बांध सकते हैं, घर पे भी बना ले सकते हैं, ये सब बहुत आसानी से हो जाता है। तो मैं धागा कट कर लिया, लगभग एक मीटर से थोड़ा ज़्यादा काटे धागे को, क्योंकि मैं एक मीटर नहीं, वही डेढ़ मीटर के करीब काटा हूँ। और एक देखिए वायर है, ये अपना वायर है, मोटर बाइंडिंग वाला 23 नंबर वायर है, इसका मैंने सुई बना रखा है। और देखिए धागे को एक साइड ऐसे गांठ, तो धागे के एक साइड देखिए गांठ मार लीजिए, और गांठ मारने के बाद आप देखिए बांधना, आप कहीं से भी चालू कीजिए, मान लीजिए आपको ज़रूरी नहीं यहाँ से भी बांध सकते हैं, तो मैं यहीं से चालू कर ले रहा हूँ किसी भी एक स्लॉट से। तो देखिए ऐसे आपको कर लेना है, एक गट्ठी मार लेना है यहाँ पे, और देखिए ऐसे सरका देना है। अब देख सकते हैं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कोई आपको सवाल है, मतलब कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों देखिए मैं बांधना चालू कर दिया हूँ, तो बांध देंगे तो ये मोटर कंप्लीट हो जाएगी बन के। देखिए धागा आपको, देखिए इधर पतला धागा बांधा हुआ था मैं, थोड़ा मोटा मान लीजिए मोटर बाइंडिंग वाला धागा है, तो ये मोटरों में भी इससे आप बांध सकते हैं, थोड़ा मोटा आता है, मजबूत भी रहता है। अब पूरा टाइट नहीं करना है धागे को, एक हिसाब से मान लीजिए तो पहले से ही टाइट है बाइंडिंग इसका, तो ज़्यादा खींचा तानी नहीं करना है, एक हिसाब से अटकाते हुए, मतलब हल्का हल्का अटकाते हुए तार को टाइट करते जाना है। अब ज़्यादा खींचे खाचेंगे तो कहीं ना कहीं वायर फिर दूसरी जगह से वायर टूट जाएगा, फिर आपकी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। देखिए ऐसे आपको धीरे धीरे बांध लेना है। देखिए इसको भी, स्लिप को भी चिपका लेंगे आपस में। देखिए तो दूर दूर भी बांध सकते हैं, थोड़ा कोई ज़रूरी नहीं है एकदम घना ही बांधना, वो मतलब टाइट कर लीजिए आप अच्छे से, टाइट उतना ही कीजिए कि मतलब कि धागा ढीला भी ना रहे, और बाइंडिंग ज़्यादा खींचे मत। देखिए देख सकते हैं दोस्तों, अब देखिए ऐसे बांधते जाना है आपको। वायर नहीं बांधना है, वायर को आप छोड़िए और केवल स्लिप को बांध दीजिए। तो मैं इतना मान लीजिए धीरे बांध रहा हूँ, इसकी भी वजह है, मान लीजिए ये नया पंखा नहीं है, इसका वायर कमज़ोर हो गया है, तो धीमा बांधना ही पड़ेगा। अब तेज़ी से मैं बांधूँगा तो ये ख़राब हो जाता है, कहीं ना कहीं फिर टूट जाएगा भाई। अब देखिए दोस्तों बंध ही चुका है। अब देखिए मैं एक कार्टन टेप लगाया ना, पूरा मेरा देखिए स्लिप और ज्वाइंट फिर ये टेप के ऊपर आ गया है, तो मतलब आपका ऐसे करने से लीड ख़राब नहीं होता है जल्दी। बिल्कुल दोस्तों देखिए बंध चुका है, और बांधने का बस यही तरीका है भाई, कोई भी बांध सकता है, बांधने में कोई तरीका बहुत ज़्यादा नहीं है, ज्वाइंट भी कोई भी निकाल सकता है और बांध भी सकता है। देखिए मैं लास्ट में क्या किया, लास्ट में आपको इसमें हल्का सा धागे में ढुका लेना है, वो भी बचा के कोई वायर टूटे ना, और ऐसे खींच लेना है। खींचने के बाद बस एक चक्कर आपको यहाँ
एक बार गांठ लगाना पड़ेगा, तो मैं इसी में ढुका के फिर ऐसे ही खींच के, अब देखिए गांठ लगा लिया। बस अब इसको कट कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कट हो गया, अब देखिए आपका एकदम सेम मतलब तैयार हो गया, पहले जैसा हो गया है कंप्लीट। अब इसका एक काम करेंगे, बस इसका ज्वाइंट कट करके आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। अपना लीड बन के ओके हो गया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है भाई, और सावधानी से करेंगे तो ये बन भी जाता है अच्छे से पूरा। नए जैसे फिर बाइंडिंग मतलब काम करने लगती है, देख सकते हैं। तो अपना ये ब्लैक वाला स्टार्टिंग बाइंडिंग का है, देखिए बिल्कुल लीडिंग देख सकते हैं, आपको दिखा रहा हूँ मैं। और देखिए ये रनिंग बाइंडिंग का है, और देखिए देख सकते हैं रीडिंग पूरा अपना मतलब रनिंग पे भी स्टार्टिंग पे भी दोनों पे आने लगी है। और देखिए बॉडी अर्थ भी मैं चेक करा देता हूँ, तो मान लीजिए इसमें कहीं भी पेपर ऊपर जला नहीं है, तो बॉडी अर्थ हुआ भी नहीं है, बस इसमें लीड का प्रॉब्लम था। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, चलिए मिलते हैं अगले दिन किसी अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।